नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट दो, वर्ण, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। इसके हमने पेज नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर को पीछे से देख लेते हैं, पेज नंबर 4 से, जहाँ की हमारा पाठ शुरू हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने कमल का क अलग कर दिया, अब क के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगी कि हमारे मुंह से अगर क निकलता है, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये क क्या है? क एक वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जैसे इंग्लिश में जो सारे ABCD होते हैं उसको हम वर्णमाला, सॉरी, अल्फाबेट कहते हैं ना, वैसे ही हिंदी में जब एक अक्षर होता है, एक ध्वनि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। आगे हमें बता रखा है कि वर्ण यानी कि जो ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर को आगे बता रखा है कि स्वर में क्या आते हैं? 11 होते हैं, आसेनार, आसियाम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ये सब क्या है? ये है स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? जो क ख ग ड़ होते हैं वो व्यंजन होते हैं, है ना। आगे हमें वर्णमाला की परिभाषा दे रखी है कि जब स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना होता है तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। जब सारे अक्षर लाइन से होंगे और उनपे मात्राएं सही तरीके से लगाई जाएंगी, अब हम उसको क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे, ठीक है। आगे हमें बता रखा है यहाँ पर सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि आती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमें हर व्यंजन के साथ में अ की आवाज आएगी, जैसे क, ख, ग, घ, सब में अ की ध्वनि आ रही है ना। ये सारी हमें अ की ध्वनि के बारे में बताया गया है। आगे हमें ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी लगाई गई है, उनका प्रयोग बताया गया था, एडी। तो क्या होता है, जब बिंदी लग जाती है तो हम इस वर्ण पर ज्यादा जोर देते हुए बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 6 को, जिसमें हमें एक चित्र बता रखे थे और इन चित्रों के नीचे ड और ढ के रूप बता रखे थे, जिनको हमने पढ़ा था, है ना। आगे देखो, दे रखा है हमें पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे यहाँ दे रखा है अंग से अंगूर और अ पर चंद्र बिंदु और अनेगर खाली की ध्वनियां ऐसी होती हैं जिन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन माना जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। इनके चिन्ह इस प्रकार से हमें आगे बता रखा है। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि अयोगवा होता क्या है। स्वर जिसमें अ से अनार, अ से आम आ जाते हैं, व्यंजन जिसमें क ख ग ड़ आ जाते हैं, लेकिन ये जो तीनों वर्ण है ना, इनको कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया, तो इनको गुस्सा आ गया कि आपने हमें क्यों कहीं पे शामिल नहीं किया, ना तो आपने हमें स्वर माना है, ना आपने हमें व्यंजन माना है। तब क्या किया गया? तब इन तीनों को अयोगवा में रख दिया गया कि आपको भी एक श्रेणी में रखते हैं, आपको भी क्लास में बैठाएंगे। तो उस क्लास को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अयोगवा, कि आप गुस्सा मत दो, अगर आपको कहीं पे नहीं रखा गया तो आपको एक अलग स्पेशल क्लास दी जाएगी, उसका नाम होगा अयोगवा, ठीक है। इन तीनों अक्षरों को, वर्णों को आगे हम देखते हैं कि जो अंग से अंगूर है उसकी पहचान क्या होती है। जब अक्षर पर हम बिंदी लगा देते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि किसकी है, ये बन गया अनुस्वार बन गया, ठीक है। बिंदी लग गई, बिंदी को हम और क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं। और इसका जो उच्चारण होता है उसमें हमें न की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ये है अंगूर, न की आवाज आ रही है ना, अंगूर, तो जो बिंदी है वो न का उच्चारण करती है। आगे हमें देखो देख रखा है यहाँ पर सुबह का समय है और इस अ के साथ में विसर्ग लगा हुआ है, दो बिंदियां लगी हुई है, इन दो बिंदियों को बोलते हैं विसर्ग। और उच्चारण करते समय इसमें ह की ध्वनि सुनाई देती है, किसकी? ह की। जैसे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ह की ध्वनि आ रही है ना, साथ साथ में इनका जो है ना चिन्ह भी दिखा रहे हैं। देखो अंग से अंगूर में चिन्ह क्या होता है? एक बिंदी लग जाती है। और विसर्ग में क्या होता है? इस वर्ण के आगे दो बिंदियां लगाती जाती है, ठीक है। आगे हमें दिखाया है ड
चंद्र बिंदु, जब ये वर्ण पे लग जाती है तो हमें उस शब्द पर, उस अक्षर पर जोर देकर बोलना होता है। जैसे यहाँ देखो चांद, ठीक है, तो ये जो चा है ना इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है, उसको जोर देते हुए बोलेंगे चांद, ठीक है। ये हो गए हमारे अंग से अंगूर और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले शब्द, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि बिंदी वाला शब्द है, ये चंद्र बिंदु वाला शब्द है और ये विसर्ग वाला शब्द है। आगे हम देखते हैं बच्चों कुछ व्यंजन जो संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। संयुक्त का मतलब जो एक साथ बोले जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे देखा श्र और त्र, दो और हैं जो मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगी। ये देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये श, ये जो श है ना ये अकेला होता है, अपने आप में नहीं होता, ये दो वर्णों के संयोग से ही बनता है। आधा क, क प्लस श, उससे बनेगा श, ठीक है। जो श है वो दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, किस किस से, क हलंत प्लस श, उससे बनेगा श। अब हम श से दो शब्द बनाते हैं, श से बनेगा कक्षा और क्षत्रिय, ठीक है। अगला शब्द है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का त्र, त्र जो है वो अपने आप में अधूरा है, उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से बनता है। कौन कौन से, त हलंत यानी कि आधा त प्लस र त्र, जब हम इसको साथ में पढ़ेंगे तो क्या सुनाई देगा, त्र। त्र किससे बनता है, दो व्यंजनों के संयोग से बनता है त्र। श किससे बनता है, दो व्यंजनों के संयोग से, क हलंत प्लस श क्या बना, श। त हलंत प्लस र क्या बना, त्र। अब हम त्र से दो शब्द बनाते हैं, त्र से बनेगा पत्र और त्रिशूल। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 7। अब हम देखेंगे पेज नंबर 8 को। पेज नंबर 8 पे हमें दो शब्द और दे रखे हैं, सॉरी दो व्यंजन और दे रखे हैं, ये हैं ज्ञ और श्र। ज्ञ और श्र जो वर्ण हैं वो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, किससे, ज प्लस ण यानी कि क्या बना, ज्ञ, ठीक है। ज्ञ से दो शब्द बनेंगे, कौन कौन से, ज्ञ से ज्ञानी और विज्ञान, ठीक है। आगे हमें दे रखा है श्र, श से श्रमिक वाला, श्रवणम वाला या फिर श्रम वाला। ये जो श्र है ये भी दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, श हलंत प्लस र क्या बना, श्र। श्र से दो शब्द होंगे, श्रमिक और श्रम, ठीक है। मैंने आपको चार वर्ण बताए हैं, कौन कौन से, श त्र ज्ञ और श्र, ठीक है। ये जो चार वर्ण हैं वो अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखते, उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, वो बनते हैं दो व्यंजनों के संयोग से, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त अक्षर शब्द। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं और द्वितीय व्यंजन, एक बार मैं आपको इन दोनों को इकट्ठा बताती हूँ। देखो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में जो लास्ट के दो अक्षर होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक आधा आता है एक पूरा आता है। इसमें भी ऐसा आता है कि जो एक अक्षर है वो आधा आएगा और पूरा आएगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये जो है ना अलग अलग व्यंजन होते हैं, आधा स और त, ये व्यंजन है अलग अलग है, ये स है और ये त है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही शब्द होता है, एक आधा होता है एक पूरा होता है, है ना। अब हम आगे इसको देख लेते हैं, संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं, शब्दों में दो व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं, दो व्यंजन है वो एक साथ प्रयुक्त होते हैं। पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, आधा है ना इसीलिए स्वर रहित है, और दूसरा स्वर सहित होता है, त, किसकी आवाज आ रही ना स्वर की आवाज, इसीलिए इसको बोलते हैं ये स्वर के साथ है, इस त, स, तो स में कोई आवाज नहीं आ रही है, ये आधा स है, इसीलिए बोलते हैं कि ये स्वर के साथ नहीं है, स्वर रहित है, रहित मतलब इसमें अ की आवाज नहीं आ रही है, और इसमें अ की आवाज आती है,
है ना, ये हो गया संयुक्त अक्षर शब्द। एक बार वापिस से देखो, संयुक्त अक्षर शब्द में दो व्यंजन होते हैं और जो पहला वाला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें अ की आवाज नहीं आती है और ये आधा होता है, और दूसरे वाले में अ की आवाज आती है यानी कि ये स्वर सहित है। त स्वत, त में अ की आवाज आ रही है ना, इसलिए बोलते हैं कि ये स्वर के साथ है। आगे देखो दे रखा है न्य, न्य से हमें शब्द बनाना है न्याय, आ की आवाज आएगी, न में आ की आवाज नहीं आएगी, ये स्वर रहित है, य में आ की आवाज आएगी, तो ये स्वर सहित हो गया। न्य से हमें शब्द बनाना है न्याय। आगे हमें देखा है क्य, आधा क उसमें स्वर की आवाज नहीं आ रही है, य आ की आवाज आ रही है ना, तो इससे शब्द बनेगा क्या। ये देखो दे रखा है क, क में अ की आवाज नहीं है, आधा क है, ख अ की आवाज आ रही है ना, तो ये है स्वर सहित। इससे हमें शब्द बनाना है मक्खी। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं, दो व्यंजन से मिलते हैं और जो पहले वाला व्यंजन होता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है यानी कि अ की आवाज नहीं आती, और दूसरे वाले में अ की आवाज आती है यानी कि वो स्वर के साथ है, है ना। आगे हम देखते हैं द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, दोनों शब्दों में एक ही व्यंजन दो बार आता है, एक ही व्यंजन है ना वो दो बार आया है, इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है यानी कि अ की आवाज नहीं आती है, और दूसरा स्वर सहित होता है, अ की आवाज आती है, है ना। जैसे देखो कक, कक से हमें बनाना है तो क्या बनाएंगे, पक्का। जो पहले वाला क है ना वो उसमें स्वर की आवाज नहीं आ रही है तो क्या है, स्वर रहित है और आधा है, और दूसरे में क, क में हमें अ की आवाज आ रही है यानी कि वो स्वर सहित है, तो क्या बनेगा, पक्का। आधा न, पूरा न से हमें यहाँ पे शब्द बनाना है तो हम बनाएंगे अन्न। अन्न में ये जो पहले वाला न है वो आधा है, उसमें स्वर की आवाज नहीं आ रही है, और दूसरा वाला न पूरा है यानी कि उसमें स्वर की आवाज आ रही है, वो स्वर के साथ है, ठीक है। और दूसरा आगे हमें दे रखा है यहाँ पे तत्, तत से हमें बनाना है पत्ता, ठीक है। पत्ता को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, तो जो पहले वाला त है वो क्या है, स्वर रहित है, उसमें स्वर की आवाज नहीं आ रही है, और दूसरे वाले त में स्वर की आवाज आ रही है तो बनेगा ये त, आ की आवाज आ रही है ना, तो ये हो गया पत्ता। आगे हमें दे रखा है टट, तो टट से हम बनाएंगे भुट्टा, तो भुट्टा में जो पहले वाला ट है उसमें हमें अ की आवाज नहीं आ रही है, और दूसरे वाले में हमें अ की आवाज आ रही है यानी कि स्वर सहित हो गया ये। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में ही हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। आशा करती हूँ कि अब तक का पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।